सभी लोग बनना चाहते हैं, आपके अंदर क्या खासियत है, लोग कैसे पसंद करेंगे आपको? मैं 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी और शास्त्री जी के जयंती के अवसर पर पूरे शहर में झाड़ू लगाया और पिछले दिनों तक जो है 30 किलोमीटर तक मैं झाड़ू लगाया हूँ पूरे शहर में, और यहाँ की जनता ने देखा कि सफाई कर्मचारी भी सड़क की वो सफाई नहीं करता है जो अमिताभ पांडे और कंचन पांडे ने, मेरी पत्नी ने किया है। आज मैं और मेरी पत्नी कंचन पांडे जी, मैं अमिताभ पांडे और कंचन पांडे जी जो नगर पालिका परिषद मिर्ज़ापुर जनता के अध्यक्ष प्रत्याशी के रूप में यहाँ आया हूँ, और यहाँ से झाड़ू लगेगा और पूरे शहर भर में हम लोग झाड़ू लगा करके एक संदेश दिया जाएगा समाज को कि जो है अगर आपको चेयरमैन की कुर्सी पे बैठाना है तो वो चेयरमैन बने तो ज़्यादा बेहतर है जो चेयरमैन बनने से पहले सड़कों पर झाड़ू लगा रहा हो। कुर्सी पर बैठने के लिए तो बहुत सारे लोग चाहते हैं, हर आदमी चाहता मैं बैठ जाऊँ। बीजेपी, सपा और तमाम पार्टी के लोग स्कॉर्पियो से प्रचार कर रहे हैं, लेकिन अमिताभ पांडे जो है साइकिल से, पैदल और मोटरसाइकिल से जनता के बीच में जा करके और पंपलेट दे करके अपने लिए आशीर्वाद मांग रहा है। गांधीवादी मेरा सोच है, जनता का आशीर्वाद मैं चाहता हूँ, और ये मेरा अभियान ऐसा नहीं है कि चुनाव तक है, ये आगे भी हमारा चलता रहेगा। चुनाव का क्या परिणाम होगा ईश्वर जानते हैं या जनता जानती है। मैं जनता के बीच में एक सेवक के रूप में आया हूँ और सेवा करना चाहता हूँ। मालिक जनता है, उसके पास अधिकार है वोट देने का। मुझे पूरा भरोसा है कि 29 नवंबर को अमिताभ पांडे को भारी बहुमत से जो है जिता करके, भारी वोटों से जिता करके नगर पालिका की कुर्सी पे बैठाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अमिताभ पांडे। और आम आदमी हूँ, लेकिन उसके कहने मतलब है कि भाजपा हो या सपा हो, जो व्यक्ति या मेरा सगा भाई ही हो या मेरा सगा ही बाप हो, जो व्यक्ति अगर कुर्सी पा लेता है तो काम नहीं करता। लेकिन मैं देखा कुर्सी ना पाने के पहले ही हमारे अमिताभ पांडे ने पूरा कितना झाड़ू मारा, ऐसा देख के ऐसा दिल प्रचलित हुआ कि ये जब बन जाएगी कुर्सी पा जाएंगे तो पूरा मिर्ज़ापुर की सफाई करवा देंगे। बीजेपी वालों ने लूटने का काम किया है, कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रहा है, सफाई कर्मचारी जो आपका झाड़ू लगा करके आपका गली और सड़क साफ करता है, नाली साफ करने का काम करता है, आज उसके घरों में चूल्हे तो है लेकिन आग नहीं चल रहा है, और आग उनके चूल्हे में तब जलता है जब वो ब्याज के पैसे, धन्यवाद चाचा जी, जब वो ब्याज के पैसे से अपने चूल्हों में आग जलवाते हैं। अमिताभ पांडे का कहना है कि अमिताभ पांडे को मिर्ज़ापुर की जनता अगर चुनाव में जिताती है तो सबसे पहले सफाई कर्मचारियों का तनख्वाह जो है नियमित किया जाएगा, हर महीने उन कर्मचारी भाइयों को तनख्वाह मिलेगा, क्योंकि गरीब है वो कमजोर।